आज गुड फ्राइडे है। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे और ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई धर्म से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन प्रभु यीशु को सूली पर लटकाया गया था, इसलिए इसे ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे का दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद कर शोक जताते हैं। इसके अलावा इस दिन चर्च में विशेष प्रार्थना भी किया जाता है। लोग प्रभु से अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। बर्डन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे की इबादत को बड़ी ही संजीदगी के साथ मनाया जाता है और गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत दी गई थी और सलीबी मौत से पहले और क्रूस पर उसने सात वाणियों को बोला, जो इस बात को संबोधित करती हैं कि यीशु मसीह हमसे बेहद मोहब्बत करता है और इस बात के संदेश को देता है कि हम अमन, चैन और सुकून को कायम करें, और उस मोहब्बत का भी इजहार करता है जो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे जहान से की और पिता की मोहब्बत को भी जाहिर करता है। सात वाणियाँ क्रूस पर से बोलता है। पहली वाणी है, बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस रीति से आगे वो सात वाणियों को बोलता है और प्रेम के संदेश को देता है। गुड फ्राइडे मसीह समाज के अंदर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान को स्मरण करता है और ईश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि कल के रोज़ 2024 के हम धन्य शुक्रवार की इबादत को हम करेंगे और साथ ही साथ उन वचनों को याद करेंगे जो सात वाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से मनुष्य जाति के लिए कही हैं। ख़ास तौर पे 3 घंटे यहाँ पर इबादत होगी और उसके उन 3 घंटों में 7 वाणियाँ जो बोली जाएंगी वो भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से वाणियाँ कही हैं प्रकाश डाला जाएगा और उन पर मनन और चिंतन करते हुए उनके रास्ते को इख्तियार किया जाएगा। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है जो कि ईस्टर रविवार से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समुदाय के लोग चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु को याद करते हैं। हालांकि गुड फ्राइडे पर चर्च में घंटियां नहीं बजाई जाती है, लेकिन लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में ये कहना है कि पृथ्वी पर जब बहुत पाप हो गया था तो परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम उस पाप से नजात पा सकें। और गुड फ्राइडे इसीलिए मनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे गुनाहों, सारे जगत के, पूरे संसार के गुनाहों के लिए उसने उस क्रूस पर पश्चाताप किया हम सब के लिए और उस क्रूस पर अपने जान को दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी जिससे हम गुनाहों से माफ़ी ले सकें और हमारे जीवन का उद्धार हो सके। लोकल 18 अल्मोड़ा से रोहित भट्ट की रिपोर्ट।